लेकिन ये कमी है, पूछो क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 7 नहीं 8 नहीं 9:30 बज गए हैं, 10 बज गए तो फिर अभी उठे हैं। आज अच्छे से रेस्ट किया है। हाँ, आज थर्सडे है तो आज मॉर्निंग में ही लाइट जा चुकी है। चल रहा है एक्सरसाइज सेशन मेरा और साथ में मानसी। हमें लेग्स की एक्सरसाइज तो कर ली है, अब करेंगे अपर बॉडी की एक्सरसाइज। और अपर बॉडी की थोड़ी सी हार्ड लेवल पे एक्सरसाइज करेंगे। मेरे लिए तो इतनी हार्ड नहीं है, मानसी के लिए थोड़ी सी हार्ड होगी। करना है 2 मिनट तक होल्ड ऐसे फिस्ट पोजिशन पे। हाँ, टूटने दो, करो करो, होल्ड करो। कितना अच्छा तो कर रहे हो, होल्ड करो होल्ड करो। में थोड़ा सा हार्ड कर लोगे ना, फिर हमेशा ही आपको इजी लगेगा, इसलिए मैं थोड़ी सी हार्ड करवा रहा हूँ। करेंगे पुशअप्स, कौन सी पुशअप्स लगा देती है भाई, बच के रहना पड़ेगा मेरे को। अप डाउन अप डाउन। ये हम सिर्फ 1 मिनट का प्लैंक। लास्ट टाइम मानसी आ गई थी, आई होप इस बार वो बीच में गिव अप ना करे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकंड हो गए हैं, 30 सेकंड्स। पिछली बार तो इस टाइम तक मानसी ने गिव अप कर दिया था, लेकिन इस बार वो जितनी और देर करेगी तो वो उसकी इम्प्रूवमेंट ही है। रिवर्स काउंटिंग करेंगे 10 के टाइम। गुड गुड, 9 8 7। तो फाइनली एक्सरसाइज का सेशन हो गया कंप्लीट और लाइट भी आ गई है। आज थर्सडे था तो मेरे को उम्मीद कम ही लग रही थी लाइट आएगी, लेकिन लाइट आ गई। राइट नाउ इट्स 2:30। इतना सपो हुआ था क्या हुआ उसमें? अब तक तो मैं ब्रेकफास्ट भी लंच भी हो लेता है मेरा कंपनी में। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मेरे को आज नमकीन मिलेगा। सो राइट नाउ आई हैव अ इंग्लिश गोस्ट इन मी बिकॉज आई रेड अ फ्यू पेजेस ऑफ अ इंग्लिश बुक। दैट्स व्हाई फॉर अ व्हाइल आई विल मेक व्लॉग इन अ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स फॉर बियरिंग मी। पाँच बज गए हैं, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। आज छुट्टी का दिन, मैं सोच रहा था रेस्ट करूँगा सुबह से। नहाने की फुर्सत कहाँ है, काम इतने हैं। शाम के 6:30 हो गए हैं और मैंने ढेर सारे काम कर दिए हैं। कुछ सफल हो गए, कुछ असफल हो गए, लेकिन मानसी अभी वही स्लाइडिंग डोर साफ कर रही है। लेकिन ये स्लाइडिंग डोर साफ करने का काम है ना, सबसे मुश्किल था। डोर पे पर्दा लगाना था, लेकिन भगवान जाने कौन सी सीमेंट यूज़ कर रखी है। कील देखो कितनी ख़राब हो गई है, लेकिन एक कील भी नहीं गड़ी। 2 3 4 5 तो इन सब किलों का अब करना पड़ेगा अंतिम संस्कार, क्योंकि अब किसी काम की नहीं है, बिल्कुल ख़राब हो गई है। 7:30 हो गए हैं, रूम के काम कुछ हो गए, कुछ मैंने छोड़ दिए, हार मान ली मैंने, कोई नहीं रहते। तो अभी चलते हैं थोड़ा मार्केट में, छोटी मार्केट में जो आगे लोकल मार्केट है, वहाँ से थोड़ी सी सब्जी फ्रूट और दूध लेके आना है। और इतने मानसी जो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर फैलाया है रायता, वो करेगी साफ मानसी। अभी आ गए हैं अपनी छोटी सी मार्केट में, यहाँ पे लेते हैं सब्जियाँ।
को जब रियल मानूंगा, जब रियल में मोर थोड़ा उड़ के भी दिखाए। ऐसे काफी अच्छा बनाया है मानसी ने, 2 दिन की मेहनत लगी है इसको इतना रियल फील देने में, और अभी तो ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है तभी इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये कमी है, पूछो क्या गजब बेइज्जती है। पूछने तो चाहिए एज ए आर्टिस्ट, आपको पूछनी चाहिए ना कि भाई मेरे आर्ट में क्या कमी है। मेरे हिसाब से जो आर्टिस्ट है ना खुद की आर्ट में कमी नहीं मानता ना, वो आर्टिस्ट इनकम्प्लीट है। यही आप में कमी है, इस मोर में कमी है कि ये उड़ नहीं सकता, और ये कमी आप पूरी भी नहीं कर सकते। हंसना था मत हंसो। तो फिलहाल अभी रात के 12:15 हो गए हैं, अभी थोड़ा सा मैंने जो लैपटॉप का काम था और एडिटिंग का काम था वो कर लिया, और मानसी अभी ड्राइंग कर ही रही है। तो फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही, और आज के दिन में घर के ही छोटे मोटे काम हुए हैं, बहुत ज़रूरी ज़रूरी काम हुए हैं। एक तो ये मच्छरदानी लगानी थी जो शायद कैमरे में दिख भी ना रही हो। मच्छरदानी लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि बाहर की हमें नेचुरल हवा भी मिल जाएगी और मच्छर भी नहीं आएंगे। फिलहाल आज के व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।